हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक कजूरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो रियल नंबर्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हम लोगों को रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको हम लोग कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मैथड से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अंडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है और हम लोगों ने रूट थ्री को क्या कंसिडर कर लिया, एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया। लेट रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर एंड देयर आर टू को प्राइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, टू को प्राइम नंबर्स A and B, such that, right, तो एक कंडीशन के साथ में हम लोगों ने दो नंबर्स कंसिडर करे, पहला A है दूसरा B है, और ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स। अब पहले को प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर्स जिनका कि एच सी एफ वन हो। मतलब एच सी एफ वन होने का मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर वन के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना होते हो कॉमनली। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, राइट। तो अंडर रूट थ्री एक रैशनल नंबर है और ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं। एक कंडीशन के साथ में क्या कंडीशन है कि रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं इस रूट साइन को हटाने के लिए। ठीक है, जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री, और ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं क्योंकि डिवीजन में था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तब इसको लिखा जा सकता है थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोगों के सामने लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री इंटू बी स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो थ्री है, दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर है। ठीक है, जब ए स्क्वायर का एक फैक्टर थ्री है तब हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। तो जब थ्री ए स्क्वायर का एक फैक्टर है तो थ्री डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहां से आगे हम लोगों को एक थ्योरम याद आती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर थ्री ए को भी डिवाइड करेगा। और कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, तो मतलब अगर थ्री ए को डिवाइड कर रहा है तो थ्री ए का एक फैक्टर हुआ। ठीक है, सो देयर फोर थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए। और ये हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसको पॉइंट नंबर वन कंसिडर कर लेते हैं। अब जब ए का एक फैक्टर थ्री है जैसा कि हम लोगों ने यहां पे लिखा है, तो मान लेते हैं कि इसका दूसरा फैक्टर भी होगा, कोई भी नेम दे देते हैं, चलिए सी। ठीक, अब हम लोगों ने यहां पे लेट किया, लेट ए इक्वल टू ए का एक फैक्टर तो थ्री है और दूसरा फैक्टर हम लोगों ने सी कंसिडर कर लिया, जहां पर सी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा तो वन तो होगा ही ना, राइट। तो सी हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, कोई दूसरा फैक्टर ए का, और एक फैक्टर क्या है, थ्री है, राइट। सो ए इक्वल टू थ्री सी। अब दोनों साइड्स का फिर से स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर किया जाएगा तो नाइन, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर हुआ। बट हम लोग यहां पर देखें, हम लोगों के सामने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहां पर, थ्री बी स्क्वायर। मतलब चाहे तो ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, थ्री बी स्क्वायर रख देते हैं इसे ए स्क्वायर के प्लेस पर। तो यहां पर रखा हम लोगों ने थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों साइड्स में देखो थ्री इधर भी है और थ्री इधर भी है,
ठीक है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से दोनों साइड्स को डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड कर देते हैं, जब इस साइड को हम लोग 3 से डिवाइड करें तब लिखा जा सकता है बी स्क्वायर, और जब 9c स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3c स्क्वायर। अब जो लिखा हुआ स्टेटमेंट हम लोगों के सामने है वो कहता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 3 into c स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर का एक फैक्टर तो क्या है 3 है, दूसरा फैक्टर सी स्क्वायर है। जब एक फैक्टर 3 है तो 3 क्या करेगा, बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और फिर से यही थ्योरम हम लोग लगाएं, अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि 3 बी को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 3 डिवाइड्स बी, और जब 3 बी को डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, मतलब 3 क्या हुआ, बी का एक फैक्टर हुआ। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी, और ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लोगों के सामने दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, पहला ये वाला 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, एंड दूसरा ये 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ए का भी फैक्टर कह रहा है और 3 बी का भी फैक्टर कह रहा है, मतलब 3 एक कॉमन फैक्टर हुआ किसका, ए और बी का। स्टेटमेंट लिख देते हैं नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2। जब हम लोग स्टेटमेंट 1 और 2 को देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 ए का भी फैक्टर है और 3 बी का भी फैक्टर है, मतलब 3 ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, तो 3 ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। बट हम लोगों ने क्या लेट किया था, हम लोगों ने लेट किया था कि ए और बी दोनों कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दिया कि 3 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, और को प्राइम नंबर्स में तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, जबकि हम लोगों ने 1 के अलावा 3 भी यहाँ पर शो कर दिया। तो ये किस वजह से हुआ है, this is because of our wrong supposition, और वो रॉन्ग सपोजिशन क्या है, वो रॉन्ग सपोजिशन ये है कि रूट 3 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब रूट 3 एक रैशनल नंबर नहीं है, रूट 3 कैसा नंबर हुआ, एक इरेशनल नंबर, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, हैंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं और कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रूट 3 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।